दोस्तों ये होता है दोस्तों के साथ ट्रैवल करने का असली मजा। कैमरा फ्रेंडली नहीं है तो इन लोग थोड़ा सा शाय फील कर रहे कैमरे के सामने। Hey guys, welcome back with a new, fresh, interesting, surprising vlog. I hope you guys are doing absolutely fine. So I really don't know why I am shooting this footage, but stuff to know is it's 5:30 a.m. in the morning, and guess what? We are visiting to a place for 3 days. Where we are going? What is the place? With whom I am going? And when we will return to our home? All the answers you will find inside this video. So let's begin with the vlog. Master plan. तो सीन कुछ अभी ऐसा है कि हम जा रहे हैं बेसिकली घूमने के लिए रत्नागिरी। जी हाँ दोस्तों, ये बेसिकली 3 दिन का ट्रिप होने वाला है। तो आज हम निकले हैं, तो अभी हम वेनेसडे को रिटर्न आने वाले हैं। तो आपको रत्नागिरी की पूरी सीरीज मिलने वाली है। तो अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हम यहाँ पर नाश्ते के लिए रुके थे, और अगर इस जगह की बात की जाए तो ये है दोस्तों वाई। तो फाइनली दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं इस वक्त मालवणी बीच। तो ये पीछे हमने अभी जस्ट ये रूम बुक किया है दोस्तों, एक तरीके से आप इसको रिसॉर्ट कह सकते हो। दोस्तों अगर इस रिसॉर्ट की बात की जाए तो यहाँ पर आप रिसॉर्ट के बंगले देख सकते हो, और दोस्तों इस रिसॉर्ट का नाम जो है लिखा हुआ है चैतन्य रिसॉर्ट, यहाँ पर आप बोर्ड देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों आपको क्विक टूर करवाता हूँ मैं, कैसा है हमारा रिसॉर्ट बुक किया है हमने, वो जो क्विक रूम टूर होता है वो आपको इस वीडियो में मैं कराऊंगा। उसके बाद दोस्तों हम चलेंगे फिर बीच पे। फिलहाल दोस्तों अभी क्या हो गया ना कि हमें बहुत ज़्यादा लेट हुआ है, और अभी जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हुआ है। तो देखते हैं दोस्तों, अगर वीडियो ठीक से आ पाता है तो आपको जरूर बताएंगे जो बीच है उसका व्यू, और खास कर सनसेट पॉइंट। तो दोस्तों वहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, वहाँ से हमने जस्ट एंट्री की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा हमारा रिसॉर्ट। सामने जैसे कि आप देख सकते हैं इसके बालकनी भी है। तो चलिए दोस्तों चलते अभी ऊपर और आपको कंप्लीट इसका टूर करवाते, और चलिए दोस्तों आपको लेके चलता हूँ ऊपर और आपको कंप्लीट टूर करवाता हूँ। तो यहाँ से हम अभी चलते ऊपर, और दोस्तों इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन मैप है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर से आप क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों ये है रूम। तो आपको मैं क्लियर पूरा एक रूम टूर करवा देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ से एंट्री करने के साथ ही आपको वॉश बेसिन देखने मिलता है विथ क्लीन एंड क्लियर मिरर, और यहाँ से एंटर करने के साथ ही यहाँ पर आपको ये जो है बेडरूम देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों विद अटैच टॉयलेट बाथरूम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा टॉयलेट बाथरूम इसका अटैच टॉयलेट। तो दोस्तों ये होता है दोस्तों के साथ ट्रैवल करने का असली मज़ा। यहाँ पर दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं बालकनी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव व्यू है बालकनी में से। यहाँ पर आप नेबरिंग जो रूम्स है उसका व्यू क्लियरली एंजॉय कर सकते हैं, और यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं वहाँ से हमने जस्ट अभी एंटर किया, और यहाँ से अंदर आके यहाँ से एंट्री किया, यहाँ पर आप क्लियरली कार देख सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों इस बालकनी का कंप्लीट व्यू। से हमें बहुत ही अच्छा मिल गया यहाँ पर रूम, एक तरीके से आप इसको रिसॉर्ट ही कह सकते हैं। यहाँ से आप क्लियरली व्यू एंजॉय कर सकते हैं, वैली वगैरह है यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं इतनी बड़ी जो है हमें बालकनी मिली है। तो दोस्तों यहाँ पर इन लोग अभी थोड़ा कैमरा फ्रेंडली नहीं है तो इन लोग थोड़ा सा शाय फील कर रहे हैं कैमरे के सामने। बाकी दोस्तों अभी इसके बाद हम जस्ट अभी जाने वाले बीच पर, और आपको क्लियर व्यू बताता हूँ मैं कि इस समय अभी 6:30 बज रहे दोस्तों। तो आपको 6:30 बजे की बीच की फुटेज मैं अभी बीच पर ले जाकर एंजॉय कराने वाला हूँ। हम पहुँच चुके अभी फाइनली बीच के पास, और यहाँ पर से आप देख सकते हैं नज़ारा कितना खूबसूरत है। अभी जस्ट दोस्तों सनसेट हुआ है, और ये जो अभी टाइम हुआ है दोस्तों तो ये लगभग 7:45 बज गए हैं। तो अभी ये जो आप नज़ारा एंजॉय कर रहे हो दोस्तों, ये फुटेज लगभग 7:45 बजे के। तो चलिए दोस्तों लेके चलते आपको जल्दी से बीच के पास और आपको दिखाते। तो दोस्तों यहाँ पर से आप क्लियरली देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, ये 7:45 की फुटेज आप एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों अभी जस्ट जो है सनसेट हुआ है। और दोस्तों मैं एक बात बताता चलूँ, अभी हम जो है ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आज का आधे से ज़्यादा दिन हमारा ट्रैवलिंग में चले गया। तो चलिए दोस्तों चलते अभी सीधे पानी के पास, और आपको क्लियरली दिखाते हैं पास से कैसा होने वाला है नज़ारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों थोड़ा गीला है, तो हम चलते उस साइड, उस साइड में थोड़ा सूखा है, और उस साइड से आपको बताते हैं। सो इसका जो कम्प्लीट व्यू है वो आपको कल सुबह भी देखने के लिए मिलने वाला है। तो यहाँ पर से आप क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों कितना शानदार और साफ लग रहा है पानी। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं ये बनाना राइड वगैरह अभी भी चल रही है इनकी। बाकी दोस्तों ये आप जो बनाना राइड वगैरह देख पा रहे होगे, तो ये बेसिकली दोस्तों अभी जा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं
इनका टाइम खत्म हो गया है, तो इस ये जो राइड है ये भी हम करने वाले, लेकिन ये राइड दोस्तों हम कल करने वाले, तो आई होप आप कल का व्लॉग मिस नहीं करेंगे, क्योंकि कल का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है। काफ़ी शानदार व्यू लग रहा है दोस्तों अपने आप में, स्पेशली जो सनलाइट का जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है पानी में वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है अपने आप में। काफ़ी शांति है दोस्तों यहाँ पर, सिर्फ आपको पानी की आवाज़ सुनाई देगी, उसके अलावा कुछ भी सुनाई नहीं देगा। तो यहाँ पर आप क्लियरली व्यू एंजॉय कर सकते हैं, कितना शानदार लग रहा है पास से देखने में ये बीच। और ये बीच का नाम दोस्तों मालवण बीच है, जिसके मैंने आपको बताया। अभी हम रुके हैं मालवण में और कल हम जाने वाले रत्नागिरी रिसॉर्ट, तो उसका भी दोस्तों कंप्लीट वीडियो आपको कल के व्लॉग में देखने के लिए मिलने वाला है, तो आप एक भी व्लॉग मिस मत कीजिए। और यहाँ पर से आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप क्लियरली एंजॉय कर सकते हैं व्यू को, काफी शानदार लग रहा है दोस्तों व्यू अपने आप में। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका जो कंप्लीट लोकेशन मैप है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे, वहाँ पर आप विजिट कर इस प्लेस पर आ सकते हो। हमारा जो प्लान था बेसिकली, वो बेसिकली गणपतिपुरे जो बीच है उसको विजिट करने का प्लान था, बट दोस्तों ऐसा सुनने में आया कि वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की प्लेस है, तो हमने फिलहाल उस चीज़ को स्किप कर दिया। ठीक है, सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अब यहाँ पर डिनर के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे दोस्त लोग बैठे, तो आपको यहाँ पर कंप्लीट मैं बताने वाला हूँ क्या कुछ हमने ऑर्डर किया है। मैंने और अथर्व और आदित्य ने सुरमई थाली ऑर्डर की है, जो कि हमको पड़ी है लगभग 300 रुपये की। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो ये हमने ऑर्डर किया है प्रॉन्स फ्राई, जो कि हमें पड़ा है 150 रुपये का। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके अपने रूम पर, अभी जस्ट डिनर कर अगर टाइम की बात की जाए तो अभी बज रहे 10:30 रात के। और दोस्तों अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, क्योंकि हमारा आज का दिन आधे से ज़्यादा ट्रैवलिंग में चला गया, तो कल फिर से आपको एक धमाकेदार और एंटरटेनमेंट वाला व्लॉग मिलने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में फिलहाल हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक धमाकेदार और फ्रेश एंटरटेनमेंट वाले व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।